फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक थोड़ा जल्दी से जल्दी बुक्स करें, उनका कोई तो कोई हल निकालें ना, ऐसे कैसे होगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। जो बस बोर्ड से यही अपील है कि जल्दी जल्दी बुक्स अवेलेबल करें और बुक्स के कंटेंट थोड़ा सही रखें, ताकि बच्चों को सीखने के लिए तो बुक्स है ना, तो सीखने के लिए जो चीज़ वो ज़्यादा मिले, ताकि हमारे बच्चे बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके बच्चों से पीछे ना रह जाए। बेटी आगे कैसे बढ़ेगी मेरी, अगर उसे किताबें ना मिले तो यूनिट आ जाएगी, यूनिट में बच्ची लिखेगी क्या, अगर उसे किताबें ना मिले फिर हम लोग उसे पढ़ाएंगे कहाँ से। आपके पास अभी किताबें पहुँच गई? सर अभी हमारे पास 60 लाए हैं, उसमें मैथ शॉर्ट है, उसके बाद 8th की इंग्लिश शॉर्टेज है, 10th की 9th-10th की हिंदी की शॉर्टेज चल रही है, और 1-5 में मैक्सिमम बुक शॉर्ट है, उनके सिर्फ 3-4 टाइटल अवेलेबल है, उसके बाद कोई भी टाइटल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं आज इसलातिया, हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम संयुक्ता मिश्रा है। आप बताएंगे मेरे को क्या दिक्कत क्या परेशानी आ रही है? अब मेरी बेटी जेके बोर्ड के स्कूल में पढ़ती है, तो जेके बोर्ड के जो नियम है कि बोर्ड के बुक्स ही लगाने हैं, पर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक तो बोर्ड के बुक्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो अप्रैल से नया सेशन आ रहा है, बच्चे लेके क्या जाएंगे स्कूल में, पढ़ेंगे क्या, फिर नई फर्स्ट यूनिट आ जाएगी देखते देखते समर से पहले, तो बच्चे पेपर में क्या लिखेंगे अगर बुक्स ही नहीं मिला टाइम से। और जेके बोर्ड के जो बुक्स है उनमें तो कंटेंट भी कुछ नहीं है, बच्चों को तो ढूंढ ढूंढ के पेरेंट्स को निकालना पड़ता है कि क्या पढ़ा है बच्चों को, बच्चे पीछे जा रहे हैं आगे जाने के बजाय इन सब बुक्स पढ़ के। तो या तो बोर्ड जल्दी जल्दी बुक्स अवेलेबल कर दे सारे दुकानों में, अदरवाइज जो प्राइवेट पब्लिकेशन है उनके बुक्स डाले, उनके बुक्स तो पहले हम लोग बच्चों को पढ़ा चुके हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं, बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है उन बुक्स से। तो बोर्ड जल्दी जल्दी कुछ करना चाहिए बोर्ड को इस मामले में। मैम आप क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने बोला ना कि अवेलेबल नहीं हो रही तो बोर्ड से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी बुक। मतलब कि आप कभी दुकान पे गए सर्च किया आपने? हाँ काफ़ी सारे दुकानों में ढूंढा, पर दुकानदार बोल रहे हैं कि अभी नहीं आया, बाद में आएगा, थोड़ी देर बाद आओ, दोबारा आके ढूंढो, मिल नहीं रहे। पिछले साल तो आप मतलब कि जब एडमिशन हुआ था तब तो तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों ने? हाँ, तो इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं ना कि जैसे ही सेशन शुरू हो जाए तो हम बच्चे को तैयार करेंगे, पर बुक्स ही नहीं मिलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, ये बहुत दिक्कत की बात है। तो दोस्तों आपने अभी बातचीत की एक माँ से, माँ एक गुहार लगा रही है जेके बोर्ड से कि मतलब कि जेके बोर्ड के आगे गुहार लगा रही है, कम से कम जो किताबें हैं वो बाजारों में मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं उसमें उनको राहत मिले। मैम आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? मेरा बच्चा एक फिफ्थ में जा रहा है और एक एलकेजी में जा रहा है। जो फिफ्थ में बच्चा है क्या मतलब रिजल्ट निकला है उसका? हाँ। और आप बाजार में किताबें लेने जाती हैं तो क्या आपको वहाँ पर किताबें मिली? फिलहाल तो नहीं मिली है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाद में आना है, अप्रैल में क्लासेस लगेंगी तो कैसे करेंगे बच्चे, जो उनके पास बुक्स ही नहीं होंगे, पढ़ा नहीं होगा तो कैसे वो उनको आएगा कि क्या करना आगे, पहले घर में थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो फिर ही आगे जाके थोड़ा सा क्लियर होगा उनका, जो बुक्स ही नहीं है मार्केट में आई नहीं है, गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, बट अगर कुछ है ही नहीं है बाजार में अवेलेबल नहीं है बुक तो कैसे गवर्नमेंट से, ये मेरी गुजारिश है कि वो बुक्स प्लीज़ मार्केट में थोड़ा सा देखिए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, परिवारों का यही कहना है कि अगर किताबें नहीं होंगी तो पढ़ाई कैसे होगी। हम सब जानते हैं कि कोरोना में किस प्रकार कितनी दिक्कतें परेशानियां आई थी, बच्चे घरों में बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे, कितना मतलब कि परेशानियों से जूझ रहा था परिवार, लेकिन अब एक और मुसीबत देखने को मिल रही है, किताबें ही नहीं मिल रही। आखिरकार क्यों नहीं मिल रही किताबें? जेके बोर्ड के आगे गुहार लगा रहे हैं। तो मैम आप क्या कहेंगे? फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक थोड़ा जल्दी से जल्दी बुक्स करें, उनका कोई तो कोई हल निकालें ना, ऐसे कैसे होगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, जो अगर किताबें मिलेंगी तो पढ़ेंगे ना बच्चे, ऐसे कैसे पढ़ेंगे। हाँ जी, मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ जल्द से जल्द इतना टाइम मत लगाइए, अप्रैल आधा अप्रैल हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, फिर अगर किताबें मिलेंगी तो पढ़ेंगे ना बच्चे, ऐसे कैसे पढ़ेंगे। हाँ जी, मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ जल्द से जल्द इतना टाइम मत लगाइए, अप्रैल आधा अप्रैल हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, फिर इसलिए दो एक दो दिन में बुकें थोड़ा सा उनका करें, हल निकाल लें कुछ ना कुछ।
बस बोर्ड से यही अपील है कि जल्दी जल्दी बुक्स अवेलेबल करें और बुक्स के कंटेंट थोड़ा सही रखें, ताकि बच्चों को सीखने के लिए तो बुक्स है ना, तो सीखने के लिए जो चीज़ वो ज़्यादा मिले, ताकि हमारे बच्चे बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके बच्चों से पीछे ना रह जाए। बेटी आगे कैसे बढ़ेगी मेरी अगर उसे किताबें ना मिले तो? यूनिट आ जाएगी, यूनिट में बच्ची लिखेगी क्या अगर उसे किताबें ना मिले? फिर हम लोग उसे पढ़ाएंगे कहाँ से? दोस्तों एक बात मैं सीधी साफ कहना चाहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़े होकर उच्च ओहदे पर बैठेंगे, ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो IAS KS क्लियर करेंगे। माता पिता मेहनतें कर रहे हैं किन के लिए? बच्चों के लिए। पैसा खर्च कर रहे हैं किन के लिए? बच्चों के लिए। लेकिन इनकी नींव मजबूत रखने के लिए किताबें तो कम से कम बाजारों में मिलने चाहिए, यही गुजारिश यहाँ पर माएँ कर रही हैं। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ माताएं जो गुजारिश कर रही थी जेके बोस के आगे। जय हिंद, जय भारत, जय डूगर। मेरे सामने यहाँ पर बुक सेलर्स हैं। सर, जेके बोस ने जो नई गाइडलाइन निकाली है उसके तहत क्या आपके पास अभी किताबें पहुँच गई? सर, अभी हमारे पास 60 गाइडलाइन है, उसमें मैथ शॉर्ट है, उसके बाद 8th की इंग्लिश शॉर्टेज है, 10th की 9th-10th की हिंदी की शॉर्टेज चल रही है, और 1-5 में मैक्सिमम बुक शॉर्ट है। उनके सिर्फ 3-4 टाइटल अवेलेबल है, उसके बाद जो भी टाइटल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपके जो परमानेंट कस्टमर होंगे वो वापस आ रहे होंगे? वो तो हमको बोल रहे हैं बार बार कि हमको बुकें ला के दो, स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि हमको बुक्स प्रोवाइड कराओ, लेकिन हमारे पास आ ही नहीं रही पीछे से। जब बोर्ड में हम जाते हैं हमको बुक मिलती नहीं है, फिर हम कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं? माता पिता सारे परेशान होंगे? सब परेशान है, सब माता पिता कम परेशान है, बुक सेलर जो सप्लायर है वो ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि सारा पेरेंट्स का प्रेशर उनके ऊपर है। सर, स्कूलों द्वारा मैंने देखा कि एक क्वांटिटी बताई गई कि मुझे इतनी किताबें चाहिए, आपने अपने हमें निकाल के दिखाई है। हर स्कूल ने अपनी क्वांटिटी दी होगी? दी हुई है, हमको क्वांटिटी दी है, लेकिन हमको कुछ ऐसी किताबें मिलेंगी तो हम आगे इशू करेंगे ना, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों देख रहे हैं दिक्कत परेशानी यह है कि बुक सेलर भी क्या करें, उनका परमानेंट कस्टमर जब यहाँ पर किताब लेने के लिए पहुँचता है वो निराश होकर वापस लौटता है। इनके पास तो क्वांटिटी भी पहुंच गई है कि इतनी किताबें स्कूलों द्वारा जो मांगी गई हैं उनको स्कूलों को देनी है, जो उनके कस्टमर्स हैं उनको देनी है, लेकिन एक जो दुकान वाला है, दुकान चलाने वाला नागरिक है, वो करेगा क्या करे अगर उसके पास किताबें ही नहीं हैं।